हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। पाइथन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग बेसिक ट्यूटोरियल सीख रहे हैं, किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं। बहुत सारे कोडिंग्स को हम लोग देख चुके हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। हम लोग अभी तक 13 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारा 13 पार्ट। आज 14 नंबर वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे किस तरीके से पाइथन में फंक्शंस को क्रिएट किया जाता है। बहुत सारे फंक्शन जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, या SQRT हो गया, पावर फंक्शन हो गया, या सीलिंग हो गया, आप फ्लोर फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये सब कुछ मॉड्यूल है, कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये पहले से बना बनाया कुछ फंक्शंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चाह रहे हैं कि अपने से खुद से फंक्शन बनाएं किसी भी चीज का, तो हम लोग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्टली हम लोग पाइथन सेल पर, और वहां पे हम लोग क्रिएट करेंगे पाइथन को। जो लोग चैनल पर नए हो, पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं, देखिए आप लोगों को पहले फंक्शन डिफाइन, फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी सम नम का फंक्शन बना हुआ है, 5 + 5 कर दिए, क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सम नम का नहीं बनाया, मान लीजिए मैक्स नाम का फंक्शन बना हुआ है, मैक्स दे दिए हम लोग 12, 15, ये क्या बताया कि मैक्स इसमें से 15 है। तो ये पहले से बना है, लेकिन इस तरीके का फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफ का यूज करते हैं। डिफ से डिफाइन होता है, और डिफाइन करेंगे हम लोग जैसे फंक्शन बनाना है, मान लीजिए एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। तो मान लीजिए डिस्प नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन जब भी हम लोग बनाएंगे पैरेंथेसिस के साथ बनाएंगे। यहाँ पे कॉलम देना होता है, क्योंकि मल्टी लाइन हम लोग इसमें काम करेंगे, मल्टीपल लाइन में। तो देखिए अब डिस्प्ले में हम लोग क्या करेंगे, एक मान लीजिए मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं, जैसे मैसेज को क्या प्रिंट करेंगे, वेलकम टू बूस्टअप। मान लीजिए वेलकम टू बूस्टअप एक हम लोग मैसेज प्रिंट कर दिए, ठीक है। और भी मैसेज चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे गुड बाय, ये प्रिंट कर दिया हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारा पैरेंथेसिस बंद हो गया। अब क्या होता है इसके साथ कि जैसे इसको हम लोग ये क्रिएट कर देंगे, ये कोई भी आउटपुट जनरली अभी नहीं शो करेगा। वो इसलिए आउटपुट नहीं शो करेगा क्योंकि जो भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन को कॉल करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग किस तरीके से कॉल करेंगे, इसको कहा जाता है कि ये फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन का डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन इसको कॉल करेंगे तभी इसके अंदर का चीज का काम किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प नाम का फंक्शन बनाया है, तो ये डिस्प लिखेंगे और पैरेंथेसिस के साथ। अगर इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं। तो देखिए पहला लाइन में हमारा था वेलकम टू बूस्टअप और दूसरा गुड बाय था, तो ये प्रिंट कर दीजिए। मान लीजिए किसी वैल्यू के साथ करना है, जैसे मान लीजिए एक ऐड करने के लिए बनाना है, तब किस तरीके से बनाएंगे, तो फिर हम लोग फंक्शन लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, डिफ लिखेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कोई फंक्शन बना रहा है एडिशन का, तो ऐड नाम का कोई फंक्शन बना रहा है मान लीजिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ले लेते हैं, वेरिएबल कुछ a, b ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जब कॉल करेंगे उस समय वैल्यू पास करना होता है। तो देखिए, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सम बनाना है या कोई भी चीज बनाना है, यहाँ पे मान लीजिए सम बनाना है, सम इज इक्वल टू मान लीजिए a + b हम लोग यहाँ पे कर देते हैं अभी, ठीक है। सम इज इक्वल टू a + b हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रन कराते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज जरूरी नहीं है देना, और यहाँ पे अभी हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट सिंपली कर देते हैं, क्या किस चीज को, सम को प्रिंट कर देते हैं, ये सम हमारा प्रिंट हो गया। अब इसको कॉल जब भी हम लोग करेंगे, देखिए ऐड करके अगर नॉर्मली ऐसे कॉल करिएगा तो ये एरर दिखा गया, क्योंकि इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, यानी दो आर्ग्यूमेंट है, ये पास करना जरूरी है। तो फंक्शन बनाने का फायदा क्या है कि मल्टीपल टाइम्स आप फंक्शन को एक बार डिफाइन कर लो और फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करो अलग अलग वैल्यू से। तो यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे एरर आएगा हमारा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो रिक्वायर्ड जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है ए और बी, ये हम लोग नहीं दिए हुए हैं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कॉल करेंगे कोई वैल्यू दे करके, जैसे मान लीजिए 8, 6 दे रहे हैं, तो 8 क्या होगा, यहाँ पे जो पैरामीटर है यहाँ पे ए में सेट हो जाएगा, ए वेरिएबल में, और 6 बी में हो जाएगा। सम इज इक्वल टू a + b करेगा और प्रिंट कर देगा सम को। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे अगर, तो 8, 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 8, 6, 14 हो गया यहाँ पे। तो एक चीज ये हो सकता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहे हैं फिर भी आपको प्रिंट करने की जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग रिटर्न का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है इस फंक्शन को, सिंपली अगर यहाँ पे हम लोग इस चीज को अगर प्रिंट ना कराएं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस वैल्यू को प्रिंट नहीं कराएं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये करना होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट ना कराएं उस चीज को, और प्रिंट ना कराने की जगह हम लोग क्या कर दे, सिंपल सा इसको, ये फंक्शन हमारा बन गया है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और वैल्यू भी पास कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 45, मान लीजिए 63 हो गया,
और तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया है, सम परफॉर्म हो गया है कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी है, लेकिन अगर यहाँ पे आप सम को कॉल कीजिएगा तो ये कोई भी नहीं होगा क्योंकि सम जो है इनबिल्ड फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन बना है इसमें वो डिफाइन है, तो इसको जब कॉल करेंगे इसके अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं लिखा गया है जिसके चलते इसको ये वैल्यू रिटर्न करे, प्रिंट तो लिखा नहीं है। तो रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग डिफाइन वाले को ही फिर से यूज करते हैं इसी फंक्शन को, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर देंगे वैल्यू को, ठीक है, रिटर्न वैल्यू रिटर्न क्या करेंगे सम। अब जैसे ही ये कैलकुलेट होगा, ये फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे कोई पैरामीटर्स डाल के, कोई आर्गुमेंट डाल के, तो उसके बाद यहाँ पे आएगा कंट्रोल, उसके बाद फिर से ये ट्रांसफर हो जाएगा उसी के पास और ये ऐड में चला जाएगा सम का वैल्यू, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा। जैसे अभी हम लोग ऐड को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए दे दिए यहाँ पे 10 और कॉमा सॉरी 10 कॉमा 15 दे दिए, 15 दे देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे 25 ये रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि ये जो वैल्यू दे रहा है ये किसी अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाए तो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए एक रिजल्ट नाम बनाते हैं, रिजल्ट या रेस वन लिखते हैं, रेस वन इज इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग ऐड को कॉल कर रहे हैं और ऐड में दे दिए कोई भी वैल्यू, यहाँ पे कॉमा दे करके ये चीज कर दिए, यहाँ पे देखिए तो ये RES 1 में आ गया ये वैल्यू, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे वैल्यू आया, अभी तो हम लोग प्रिंट इसको कराया नहीं है, यहाँ से रिटर्न होगा सम, सम चला जाएगा रेस के अंदर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अब देखिए ये क्या होगा, अब जो जितना एक बार फंक्शन बन गया और बार बार आप कॉल करते जा रहे हैं अलग अलग वैल्यू के साथ, तो देखिए ये RES 1 में आ चुका है। अगर सिंपल से RES 1 लिखे हम लोग तो भी ये वैल्यू 108 हो जाएगा, या हम लोग प्रिंट भी अगर कर दें RES को, RES 1 को, तो भी ये क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू वहीं आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है, हो सकता है कि हम लोग मल्टीपल चीजों को रिटर्न करना चाहें, जैसे यहाँ पे आप फंक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, सम को रिटर्न कर रहा है, हो सकता है और भी ज्यादा फंक्शन हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं डिफ का, डिफ कर दीजिए और मान लीजिए यहाँ पे ऐड भी हम लोग कर रहे हैं, और ऐड करने के साथ हम लोग कुछ और भी कर रहे हैं, ऐड के साथ मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सबट्रैक्ट करने के लिए सब भी कर रहे हैं, ऐड सब नाम का फंक्शन बना रहे हैं, और इसमें भी पैरामीटर्स हम लोग ए कॉमा बी रख रहे हैं, दो वेरिएबल दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, यहाँ पे कॉलम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए सम यूज किए थे, तो सम इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिए, और सब सब इज इक्वल टू हम लोग ए माइनस बी कर दिए यहाँ पे। अब देखिए दो फंक्शन यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया, मतलब फंक्शन वही है, दो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर लिए, वन प्लस बी को और ए माइनस बी को, दोनों को। अब अगर यहाँ पे हम लोग रिटर्न करना चाहें, इस वैल्यू को रिटर्न करना है आपको, इस वैल्यू को किसको, मान लीजिए सम को रिटर्न किए कॉमा सब को भी एक साथ रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू अब रिटर्न हो गया इस फंक्शन में, जब अब कॉल करेंगे तो कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और देखिए पैरामीटर हम लोग पास करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, अभी एक 10 पास किए और एक हम लोग पास किए 5, तो क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे उठ के जाएगा, इसमें ए में 10 सेट हो जाएगा, बी में 5 सेट हो जाएगा, ए प्लस बी यहाँ पे 15 आ जाएगा, और सबट्रैक्शन करेंगे 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो देखिए ये रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 10 5, और ये प्रिंट किया है क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न किया गया है। अगर इसी वैल्यू को फिर से हम लोग किसी वेरिएबल में रखना चाहें, तो मान लीजिए यहाँ पे रेस वन ही लेते हैं, रेस वन इज इक्वल टू ऐड सब यहाँ पे लिखते हैं, और वैल्यू हम लोग कुछ देते हैं कॉमा 25 इस वैल्यू को, तो देखिए ये हो गया। और अगर प्रिंट कर देंगे यहाँ पे हम लोग RES 1 को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या चीज़ प्रिंट होगा, 70 और 20। अगर चाहते हैं कि इसका जो वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सम रिटर्न किया, सब रिटर्न किया, और दोनों को अलग अलग वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए रेस वन दे देते हैं, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट जैसे हम लोग करते थे, और रेस टू दे देते हैं, ठीक है, रेस वन रेस टू हो गया इक्वल टू, हम लोग किसको कॉल करेंगे, यही वाला जो हमारे पास फंक्शन था इसको कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम अपना पैरामीटर को पास कर देंगे, ठीक है, पास कर दिए। तो देखिए जो पहला वैल्यू होगा सम इसमें रिस्टोर हो जाएगा आपका, और सब इसमें रिस्टोर हो जाएगा रेस टू में, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे किसको, RES 1 कॉमा RES 2 को,
तो ये दोनों वैल्यू हमारा यहाँ पे दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से करके आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं और फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग लैब जरूर करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितना भी कोडिंग अभी तक मैं बता चुका हूँ सबका प्रॉपर प्रैक्टिस करें, आप लोग बहुत अच्छा कोडिंग में हो जाएंगे और बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आप लोग फंक्शन क्रिएट कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल को बनाइए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।